वो पाकिस्तान वालों को खुश नहीं कर रहा सीमा, वो तेरा पिछवाड़ा कुटवाने की कोशिश कर रहा है कि तेरा पिछवाड़ा लाल रंग का कैसे हो, तेरा थोबड़ा तो लाल रंग का देखा तेरे यारों ने, अब तेरा पिछवाड़ा भी लाल रंग का देखे कि भाई लाल काला पीला। वो जब आपने देखा होगा बरसात के बाद एक इंद्रधनुष बन जाता ना रंग बिरंगा आसमान पे, है ना, तो वो ही अब हम चाहते हैं कि तेरा पिछवाड़ा इस तरह का हो, ये चाहते हैं हम, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। इनको ये भी प्रॉब्लम होती है कि आस्था मां मतलब आप लोगों के साथ, भाई जब तक सीमा हैदर का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता ना, चाहे मुझे इंग्लैंड के चैनल पे भी जाके बोलना पड़े मैं बोलूंगी। सीमा दा लोगों नु पेट थोड़ा बाहर लेके लोगों लगा के भाई बच्चा आने वाला है, उन बच्चा बुच्चा नहीं सी, गैस सी, दो चार सिलेंडर भरे ना नॉर्मल है ठीक, तुहानू कभी पाकिस्तान गैस की लोड़ हो सीधी पाइप पा लेना, पाइप तो सिलेंडर सिलुंडर ते चूल्हे जल जाएंगे, खूब ऐश लेना तुसी भी पाकिस्तान वालों, ठीक है, मौजा लेना मौजा। एक गल दसो, चलो मैं फिर अद्धे लोगों को समझ नहीं आएगी हिंदी च पूछ दी हां कि जब लोग कहीं पर सर्कस देखने जाते हैं तो टिकट लेते हैं ना, लेते हैं ना, जब शेर देखने जाते हैं, वो जोकर को देखने जाते हैं लप्पू जैसे, तो टिकट लेते हैं ना, तो जब मुजरा देखने जाते हैं लोग तो भी कोठे पर ऐसे एंट्री नहीं होती है ना, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोरा तो क्या मैं बेकन, तो फिर इसलिए वो लोग मुजरा जो होता है उनको लगता है, तो इसलिए वो लोग उसके साथ उसको पैसे देते हैं, ठीक। तो ये मुजरे वाला सिस्टम है, ये कोठे वाला सिस्टम है, और कोठा बहुत अच्छे से भगवान की फोटो लगाकर कोठा बना दिया गया है कि शायद लोग श्रद्धालु भी आ जाए, और उसको नहीं पता कि वो ही आएंगे जो तेरे जैसे है। सही बात है, हमारा सनातनी कट्टर सनातनी का अभी दिखाती हूँ, कट्टर सनातनी हमारा कोई ना जाएगा भैया। आ गया जो कुकर आ गया छोटा कुकर, ऐ सचिन है छोटा कुकर, ऐ देखो छोटा कुकर, ए वड्डे कुकर नाल दिवाली ते फ्री मिलिया सी छोटा कुकर, और बहुत जल्दी बात मेरी मान लो, जो एक घड़ा होता है ना, ये बच्चे मेरे पागल हो गए हैं, वीडियो कॉल ग्रुप वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो उतना ही पानी डलता है जितना घड़े में पूरा आ जाए, और जब आप डालते जाओगे तो वो छलकता है, तो बहुत जल्दी छलकने वाला है, आप सबको दिखाई देगा इस। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को लग रहा है ना कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही या इसको देख नहीं रही सरकार, इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है, इसको चारों तरफ से देखा भी जा रहा है, आप बस उस दिन का इंतजार रखिए जिस दिन आपको पता लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, आप लोग कहेंगे ये क्या हो गया, और इसको अगर ये इसकी जांच चल रही है, अगर इसकी इतनी सी भी गलती हुई ना, अगर इसको आज पाकिस्तान भेज दिया गया तो इसकी इतनी सी भी गलती हुई ना, तो पाकिस्तान तो सरकार हमारी इसको सजा देने नहीं जाएगी, ना पाकिस्तान वाले जाएंगे, हमारा ये कहना है मोमिन मलिक जी को ये कहना चाहिए कि इसका यूट्यूब बंद करा के इसको डिटेन सेंटर में रखा जाए जी, ये आवारा बाहर कैसे घूम रही है भगोड़ी, सही बात है, इसको वहां रखे ना, मतलब क्या, मैं तो खुद पूछना चाहती हूँ ये हो क्या रहा है, और आप देखो हफ्ते में चार पांच चाटे तो इसके रोज के दिन में पक्के हैं किसी ना किसी बात पे, चार पांच इसको आशीर्वाद वो दिन में देता लप्पू, ठीक, क्योंकि वो 24 घंटे रहता नशे में, मैं तो पाकिस्तान का जीजा लगता हूँ ना पाकिस्तान का, तो वो नशे में रहता है, और रात को जब वो ये बोलती अब इसको नींद नहीं आती क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना सारी सारी रात। अच्छा मैं इससे ये कहना चाहती हूँ, एक बात और बताइए आप मुझे कि ये इसका मतलब यही हुआ कि हैदर के काम पे जाते ही ये शुरू हो गई थी लप्पू के साथ। अगर ये कह रही है कि ये हैदर बच्चों का बाप बन रहा है, ये लप्पू बच्चों का बाप है, मीना जी बच्चों के बाप है, तो फिर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ भिखारियों से, भीख मंगों से, नंगड़ों से, नंग बड़ा परमेश्वर, फिर तू मुझे बता, ओ नंगी औरत, तू कटोरा लेकर तू चांदनी चौक बैठ जा, तू आकर मंदिर के आगे बैठ जा, तू फिर हमारे से क्यों छब मेरे पति को करो मेरा पति, अरे फिर तेरा पति वो 15,000 की नौकरी करके खिलाए ना तेरे बच्चों को, सही बात है,
मजा तो तब आता है ना कि जब तूने प्यार किया और प्यार गरीबी में भी दिखे। सही बात, बिल्कुल सही बात है। फिर 15,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी में तू 4 बच्चे और 2 जाने, तू 6 जानों का गुजारा करके दिखाती, फिर हम मानते है। और तू हमारे हमारे भाइयों से, हमारे बच्चों से, हमारी मातृशक्तियों से भिकारन, ओ भिकारन, नंग औरत, मांग मांग के भीख, आज तू उनको कहती है जो हमसे दुखी है मर जाए, फांसी लगा ले। अरे फांसी लगा तू भगौड़ी रंडी, हम क्यों फांसी लगाए, फांसी लगा के तू मर, क्योंकि बेइज्जत हो रही तू, निर्लज तू, भगौड़ी तू, तारों के नीचे से, यारों के नीचे से तू आई, हम क्यों मरे। हमारे तो भारत ने इस भिकारण को दान दिया है, दान दान दिया, दान इसको। हम अपने बच्चों से दान लेते हैं, मैं सनातन की रक्षक हूं, मैं अपनी सनातन की धर्म गुरु हूं, मेरे बच्चे 50 बार मुझे देंगे, ठीक। इस भिकारण का क्या मतलब, हमारे हमारे देश में आके मेरे पति की हेल्प हो जाएगी, मेरे पति की छवि लोग करो, उसने लड़के ने वीडियो, इसमें सारी वीडियो नहीं तो मैं आपको दिखाती। माजी देखिए, उसको एक और तकलीफ होती है कि लोग उसके ऊपर भौंकते हैं, लप्पू को भी तकलीफ होती है, लोग भौंकते हैं, और गुलाम हैदर के पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखवाए हुए हैं, वो मेरी मजबूरी थी, मुझे ये सब कुछ करना था, मजबूरी थी, मजबूरी में किया। लेकिन वो जो खुद लप्पू या वो बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात करते हैं, उनको लोगों ने कबूल किया, लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उनसे। एक बड़ी अधिकारी मिलने आई इनके घर पे, चोरी मिलने आई अधिकारी, उसने बोला कि मतलब किसी को आप लोग बताना नहीं जी। और इसने क्या किया, अपने, मैं अधिकारी की फोटो पे उंगली कर देती हूँ, ओए होए रुको, इसने क्या किया, उसके ना मतलब अपने यार को ये नीचे वीडियो कॉल करके अपने यार को दिखाया कि देखो मेरे को मिलने कितनी बड़ी अधिकारी आई है महिला, ये देखो नीचे, यार को वीडियो कॉल करके दिखा दिया, यार भी आगे से बहुत सियाना था, उसने तुरंत स्क्रीनशॉट मेरी तरह ले लिया। सारे सियाने ये देखो यार, जो ये देखो शादी पे मतलब लाइन लगी थी ना कि मैं नहीं पहला मैं जावांगा नाना, पहला मैं जावांगा नाना, पहला मैं जावांगा, हाथ देखो हाथ, मैं फोटो नहीं दिखाना चाहती क्योंकि पता क्या भैया, मैं नहीं चाहती कि किसी, ये देखो ये तो मेरा फोन ही नहीं उठाते, इनको पता है कि भैया आस्था माँ पूछेगी सवाल। बिल्कुल सही बात है ना, ये क्या है, मैं ना भाई किसी का ना घर खराब नहीं करना। ये देखो हम तो सारी उम्र हो गए मर गए सनातन के लिए लड़ते लड़ते, हमें तो एक जवानी ना किसी ने दी, इधर देखो सोने की चैने पड़ गई। यही कुर्बानी असल में किसी किसी जगह दी जाती है ना मैडम, एक कुर्बानी दूसरी सी ना, ऐस करके इधर कुर्बानी 75 महीने ने, उधर कुर्बानी तो तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा, है ना, एओ वलिया कुर्बानियां ने, वो कुर्बानी हर बंदे के बस की बात नहीं है, हैं? जो कुर्बानी वो देती है वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। ना ना प्रा ना ना, लप्पू आजकल स्मार्ट हो गया, तानू पता है, दिखानी है लप्पू स्मार्ट, किन्ना स्मार्ट लगता मुंडा साड़ा, देखो साड़े भारत की शान। बिल्कुल, और यही तो कह रहे, मैं अगर बोला ना तो पाकिस्तान हिला दूंगा। फैसल भाई हंसना नहीं है, मैं बतारी उड़ा दूंगी लाइफ से अगर हंसे तो, इतना सोना मुंडा और तुसी अगे दंद काट के दिखांदे जे, दसो साड़ी सीमा देखो आज बैठी सी लाइफ च तो इसी वजह से तो उसको तकलीफ होती है। मतलब जो खुशखबरी थी शायद वो भी हवा में उड़ गई, पता नहीं हवा थी, खुशखबरी नहीं सी, ओए तुसी लोग ना माफ करना मैं थोड़ा जा बोल जानी हूं, आप लोग ना सही बताऊं, आप लोग गलत फहमी का शिकार हो, आपको कौन कहता है कि खुशखबरी थी, उसको बच्चा होने वाला था, भाई गैस भर गई थी, आप लोग क्या करते हो, वो गैस भर गई थी, रघुपुरा के 5-7 सिलेंडर भरे, ठीक है, अब वो कैसी बातें करते हो,
जब भी असल में शायद नप्पू को भी नहीं पता कि अपेंडिक्स था, पथरी थी, क्या था, ऑपरेशन हुआ किस चीज का, जो हस्बैंड उनका दावा करता है उसको ये बात नहीं पता, असली चेहरा ये है। अब भैया हमारे तो जो रघुपुरा के वो दुकान वाले है ना, वो इतना खुश है, वो कह रहे हैं भाभी कुछ भी हो जाए आपको हम जाने नहीं देंगे। भाई कॉस्मेटिक का इतना सामान बिक रहा है हजारों हजारों रुपए का, वो एक एक किलो क्रीमें लेकर जा रही है तो कहां से जाने देंगे। वो बांदर सा जो बोल रहा है पाकिस्तान वालों, पहले इसको को पा 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 लिख के ना 5 बार पढ़, फिर बोल पाकिस्तान वालों, मतलब उसको ये देखो उसको उसको बोलना नहीं आता उसको। असल में मैडम जो मैं कहती हूँ अगर तेरे बाप में दम है ना सचिन, तू मुझे सुन रहा है तो मेरे साथ लाइव कर तुझे जो बातें मैं पूछू मेरे जवाब दे, और जो मेरे पास प्रूफ पड़े हैं ना तेरे सामने रखू प्रूफ, फिर बता मुझे तू। मुंह असल में मैडम उसका इसलिए नहीं खुलता क्योंकि दुकानों की जो क्रीम चाटता है ना वो इसलिए चिपक जाती है, उसका मुंह इसलिए सही से नहीं खुलता। हाँ हाँ ये बात, ये जो सारे पड़े है ना, ये आप देख रहे होगा ये सारी रिकॉर्डिंग है, ये सारी पड़ी है मेरे पास, ये आकर कहे नहीं पिटती, मैं सुनाती हूँ ये कितना पिटती है, ये सारी भरी पड़ी है। मेरा तो भाई साहब फोन ही हैंग होना शुरू हो गया, ये सारी भरी पड़ी है रिकॉर्डिंग है। ये कहती ना नहीं पिटती, इसके यार मुझे कहते हैं कि इसको बचा लो ये मर जाएगी, इसको मार देंगे माता जी, इसको बचा लो बचा लो।